डिफरेंट कलर की डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूँ के आटे, फूड कलर और एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। सो पहले डो बनाने के लिए गेहूँ का आटा मैंने 2 कटोरी लिया है, उसके अंदर रेड कलर का फूड कलर ऐड करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी यूज़ करके हम हार्ड डो बना लेंगे। जितना हो सके उतना पानी कम यूज़ कीजिए ताकि आपका डो एकदम सख्त बने। डो बन जाने के बाद उसको तेल लगाकर एक एयरटाइट कंटेनर में उसको रख दें। जितना हो सके उतना आप सख्त डो बनाइए जिससे आपके शेप का जो परफेक्शन है वो अच्छे से आएगा। सेम उसी तरह से 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, येलो फूड कलर ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने यहाँ पे येलो डो रेडी कर लिया है। इसे भी हम ऑयल लगाकर एयरटाइट कंटेनर में रख लेंगे ताकि जब हम आरती बनाएं तब वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है और यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर का फूड कलर नहीं था। तो आपके पास फूड कलर ना हो तो आप एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का फेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये लाइट नीले रंग का आटे का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है ताकि हम कृष्ण भगवान जी की आंखें और बाल बना सके। जितना आप आटे को गूंद लेंगे उतना ही अच्छा सॉफ्ट उसका टेक्सचर आएगा ताकि हम जब आरती की थाली बनाएं तब वो एकदम सॉफ्ट सा हो। सो हमारे सारे डो बनकर रेडी हो चुके हैं तो अब हम आरती की थाली सजाएंगे।